मसाला भी भून लिया, पाले भी भून लिया, अब मैं इसे मैं ये लस्सी डाल दूँ। अब इसको मुसलसल हिलाना है, जब तक हिलाना जब तक ये उबलेगी नहीं, क्योंकि अगर रोक दो ना फिर ये फट जाती है। हाँ बेटा ये कड़ी पत्ता है, इसको अब मैं इससे तड़का लगाऊंगी इसको कड़ी को। अच्छा अच्छा दादी, क्या कर रही हो आज किचन में? आज मैं कड़ी पका रही हूँ। कौन सी कड़ी? साग वाली कड़ी। अच्छा। ये हमारे कश्मीरी बनाते हैं, तो आज मैंने कहा मैं सबको खिलाऊं, पंजाबियों को खिलाऊं कि देखो हमारी भी साग वाली कड़ी कैसी होती है, इसमें बहुत कुछ डलता है, मक्खन वगैरह सब कुछ। हाँ मैं पकाती यही हूँ, मैं ये खाती यही हूँ, मुझे वो पकौड़ों वाली पसंद ही नहीं आती क्योंकि वो भारी होती है, खाओ ना मैदा भारी हो जाता है। अच्छा तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये है, नुकसान नहीं देती ये, बहुत फ़ायदे देती है, मज़े की होती है। इसको रोटी चूर के खाओ, बीच में मक्खन डालो और रोटी चूर के खाओ। तो दादी इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती हैं? बेटा ये सबसे पहले तो दही होता है ना, दही लेके आई हूँ। अब मैं ये देखो लस्सी बना रही हूँ दही की। अच्छा। दही की लस्सी बनाऊँगी, लस्सी बना के इसमें मैं बेसन नहीं डालती हूँ, मैं इसमें मकई का आटा डालूँगी 2 चमचे। चलें पहले। हाँ ये देखो, हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखो अब मैं इसमें 2 चमचे ये मकई, ये मकई का आटा। अच्छा तो ये इसके अंदर डाल के इसको फेंक देंगे। नहीं अरे जब है चीज, आजकल कौन मदानी इस्तेमाल करता है। अच्छा तो इसको कितनी देर तक आप यूं करोगी? बस हो गई, बस इतनी जल्दी? हाँ हो गई। हाँ दादी अब वो आपने बना ली है, अब नेक्स्ट क्या करोगी आप? अब बेटा ये मैंने देखो प्याज काटा है। अच्छा अब मैं इसको ब्राउन करूंगी, ये अब चूल्हा जला रही हूँ। ये देखो अब मैं इसमें तेल डालूंगी प्याज में। आग कितनी धीमी आज रखनी पड़ती है? नहीं नहीं ठीक है। ये अब ये मैं सुरख करूंगी हैं, जब तक ये सुरख हो रहा है ये मैंने पालक काटी है। अच्छा जब तक ये देखो पालक काटी है, अब ये मैंने ना इसके अंदर डालूंगी और भूनूंगी, समझ गए? पालक को पालक भूनूंगी, ये पालक काटी है मैंने सारी, ये सालक सारी पालक जो है ना इसके अंदर डलेगी। कौन सी जो आम पालक मिलती है? हाँ आम पालक जो होती है। और ये क्या दादी? ये सूखा धनिया और अदरक और लहसुन ये मैंने कूटा, ये देखो धनिया अदरक और लहसुन। हाँ ये इसमें डालना है मैंने। अच्छा इसे बड़ा मज़ा आता है, सही चस्का आता है, जायका आता है। ये क्या चीज़ रखी हुई आपने? ये मैंने हरी मिर्चें काटी, और ये मिर्चें जो है ना मेरे घर की हैं। अच्छा। ये मैंने अपनी तोड़ी है। और ये पालक दुकान से लाई? हाँ पालक मैं दुकान से लाई हूँ, लगाऊंगी अब। ये देखो मेरा प्याज, इसको ब्राउन करना है फुल? हाँ इसको ब्राउन करना है, मतलब इतना भी नहीं मगर करना है। नहीं अब मैं इसमें ये वो ये वाला डालूंगी, अदरक लहसुन ये सारा कुछ ये डाल के फिर मैं इसमें वो डालूंगी पेस्ट सब रहा है। हाँ ये पे ये डालूंगी फिर मैं इसमें एक टमाटर। देखते हैं आज कैसी कड़ी बनती है हमारी कश्मीरियों की। इसको आप कड़ी कहते हो जबान में? हाँ कड़ी कहते हैं। अब मक्खन डालते हैं, मक्खन बरल डाल के खाते हैं हम लोग, मक्खन डाल के रोटी उसके अंदर कुट के। मेरा सुरख हो गया, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना इतने करना है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ये जो आपने पेस्ट बनाया था। हाँ चीज़ का ये साबुत धनिया है। अच्छा
अदरक है, लहसुन है, जीरा है। ये देखो अभी आपने पानी डाला, थोड़ा सा डालूंगी ना मसाला जो डालना, फिर जल ना जाए। अच्छा अब मैं ये देखो इसमें ये दड़ी मिर्ची डाल रही हूँ। ये देखो अब मैं इसमें ये हल्दी डाल रही हूँ। अच्छा ये क्या चीज़, ये नमक ज़्यादा नहीं डाल दिया मैंने? नहीं नहीं ठीक है। अब मैं इसको ये देखो भून रही, पता चल रहा है? ऐसे भूनना है ऐसे खूब। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी टमाटर हरी मिर्ची। अच्छा पता चल, अब नज़र आ रही है? जब खाओगे तो फिर पता लगेगा मज़े का। रोटी चूर के खाना अच्छा। ये कौन सी आम रोटी के साथ खाते हो? आम रोटी वैसे मज़ा आता है अगर मकई का आटा होता ना, फिर आप किसी दिन पकाएंगे मकई का आटा भी साथ से रोटी पकाएंगे। अच्छा उसके साथ खाते हैं मकई की रोटी के साथ। हाँ अब इसमें ये पालक डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सी देर के लिए दम पे देंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। वो बाकी पालक नहीं डालोगी? नहीं अभी नहीं, बस उसको कितने देर दम पे रखोगी? इसको 5 मिनट। हाँ इतनी आंच पे। हाँ दादी दम से हटा दिया इसको? नहीं हाँ हटा दिया, बस ये देखो मैंने पालक भून ली है खूब मज़े की, मसाला भी भून लिया पालक भी भून ली है। अच्छा। अब मैं इसे में ये लस्सी डाल रही हूँ। अच्छा ये लस्सी जो आपने पी वो की? हाँ अब इसको मसलसल हिलाना है, जब तक हिलाना जब तक ये उबलेगी नहीं, क्योंकि अगर रोक दो ना फिर ये फट जाती है, ख़राब हो जाती है। अब इसको हिलाते रहना ऐसे। कैसे हिलाना? बस ऐसे ही है देखो, अब इसको हिलाते हिलाते इसने जब उबल जाएगी ना बस फिर हम इसको छोड़ देंगे। आधा घंटा तकरीबन, आधा घंटा हमने इसको करना है, उसके बाद फिर ये पकेगी। बस फिर बस नहीं, उसके बाद फिर इसमें करी पत्ते का भगार दूंगी, तड़का जिसे कहते हैं, तड़का हाँ लगाया हुआ तोड़ के लाऊंगी वो दूंगी, और फिर प्याज थोड़ा सा ब्राउन करूंगी, ज़ीरा थोड़ा सा डालूंगी, फिर उसके बाद जब पक जाएगी तैयार हो जाएगी फिर इसमें थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, और फिर मैं मज़े मज़े से चूर के खाऊंगी, मरोड़ के और कुट के। आहा हाँ आहा मज़ा आएगा। बस ये दादी क्या तोड़ रही हो आप? ये कढ़ी पत्ता है? हाँ हाँ बेटा ये कढ़ी पत्ता है, इसको अब मैं इससे तड़का लगाऊंगी उसको कढ़ी को। अच्छा अच्छा ये देखो ये बस इतना सा? हाँ बस इतना सा, चलो। हाँ मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बस इसमें तड़का लगाना है, ये देखो। ये रखो ये बन गई। अब मैं इसको तड़का लगाना है इसी तरह चूल्हे के बगैर लगाऊंगी? नहीं अब ये प्याज काटा है ना, अब ये देख ये प्याज चढ़ा दिया। अच्छा अब ये तेल डाला है ये देखो थोड़ा सा, क्योंकि पड़ा हुआ आगे तेल डाला है। ये करी पत्ता लाई है ना तोड़ के अभी, ये देख हाँ। ये अब इसमें ज़रा सा ब्राउन हो ना फिर ये डालूंगे। अच्छा और जीरा वगैरह भी डालूंगी? हाँ अभी जीरा भी डालूंगी, ये भी डालूंगी।
फिर ये दो मिर्चें डालूंगी। ये कहाँ से लाई हो? ये भी मेरी अपनी है, ये भी तोड़ के लाई हूँ। हाँ तो आधी चीज़ें तो आपने दादी खुद ही लगा। हाँ मेरी बहुत, अब मैं पालक वगैरह सब अपनी लगाऊंगी। अच्छा ये देखो मैंने अब ये करी पत्ता डाल दिया। अब ये मैंने इसको ऐसे करना, ये अब ये भी डाल दिया इसमें, ये देखा इसी तरह। हाँ ये अब ज़ीरा डालूँगी, ये देखा ज़ीरा डाला ये। तो आपकी दादी अम्मी भी बनाती होती थी? मेरी अम्मी ने तो वो गांव में होती है जिसको हलवा कद्दू नहीं बोलते, पेठा भी बोलते हैं, हलवा कद्दू भी बोलते हैं, तो वो कश्मीर में उसको बोलते हैं अल। अच्छा क्या बोलते हैं? अल। हाँ तो वो उसकी बनती थी, उसका छील के टुकड़े बड़े बड़े काट के डालते थे। आए हाय, फिर वो तो अपने घर की लस्सी होती थी, घर का दही होता था, ये तो बाजार ही है। और साथ में मकई की रोटी, ये देखो अब मैं इसको अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी, इसमें मक्खन डालूंगी। हाँ ये अब तैयार हो गई है, अब मैं आपको प्लेट में निकाल के मक्खन डाल के दिखाती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे रोटी पका के ठहर के। अच्छा मैं तो अब खाने जा रही हूँ, मुझे लगी हुई है भूख। और आप लोग अब ये बताना कि मेरी कढ़ी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा अब अगली डिश आप कमेंट करके बताएं मैं कौन सी पकाऊँ।